तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट 1.19 का इजीएस्ट बोन मील फार्म। और ये फार्म आपके माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में वर्क करता है। तो बेडरॉक एडिशन यानी समझ लो आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में भी वर्क करेगा। तो ठीक है गाइज, इस फार्म को बनाने के लिए आपको देखो 4 स्टॉक प्लस 32 आपको सोल सैंड चाहिए है, 16 प्लस 4 आपको ओके साइन चाहिए है, 18 आपको बैगवा ब्लॉक चाहिए है, 2 आपको हॉपर चाहिए है, 2 लीवर चाहिए, 1 वाटर बकेट चाहिए है, 2 आपको पावर ड्रिल चाहिए है, 14 आपको रेल चाहिए है, 2 आपको चेस्ट चाहिए है, 16 आपको स्कैप होल्डिंग चाहिए है, 2 ग्लासेस चाहिए है, 1 माइन कार्ड विथ हॉपर चाहिए है, 4 स्टॉक प्लस 32 आपको बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए है, 2 स्टॉक प्लस 32 आपको स्मूथ स्टोन के यानी कोई से भी आपको स्लैब चलेंगे। मैं यहाँ पे स्मूथ स्टोन के स्लैब यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कबल स्टोन के भी स्लैब यूज कर सकते हो, और बिल्डिंग ब्लॉक भी आप चाहो तो यहाँ पे कबल स्टोन के भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे स्मूथ स्टोन के यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, इस फार्म को बनाने के लिए देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक समुद्र ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ओशियन ढूंढ लिया है। तो उसके बाद क्या करना, आप ओशियन में यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आगे आ जाना, और फिर आपको देखो बिल्कुल ओशियन के यहाँ पे सबसे नीचे इस तरीके से चले जाना। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखो यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक लगाते हुए आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से सबसे ऊपर आ जाना है। तो इस तरीके से मैं बिल्डिंग ब्लॉक लगाती हूँ, इस तरीके से यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ, तो बिल्कुल सरफेस तक आ जाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 2 बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ना यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक मैग्मा ब्लॉक को लगा देना, फिर इस मैग्मा ब्लॉक को आपको देखो 18 ब्लॉक आगे ले जाना है। तो ठीक है, 1 ब्लॉक तो लगा हुआ है, तो मैं फटाफट से इसको 18 ब्लॉक आगे ले जाता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से 18 ब्लॉक आगे ले आया हूँ। उसके बाद आप इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ देना है, ये वाले बिल्डिंग ब्लॉक आपके कुछ भी काम के नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से साइड से आना और यहाँ से देखो 4 बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना, 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे आ जाना और यहाँ से भी 4 बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना, 1, 2, 3, 4। तो ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से होने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक से आपको देखो बिल्कुल एंड तक ले जाके यहाँ से फटाफट से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पावर ड्रिल को लगाया, यहाँ पे एक पावर ड्रिल को लगाया, फिर आपको यहाँ से देखो 7 नॉर्मल ड्रिल को लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ से भी आना और यहाँ से भी 7 नॉर्मल ड्रिल को लगाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और फिर यहाँ पे बीच में तो जगह बचेगी, यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से 2 चेस्ट को लगा देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ टेम्पररी ब्लॉक लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हॉपर को लगाना है, तो मुझे पीछे टेम्पररी ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे इन 2 बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ देता हूँ, ये मेरे कुछ भी काम के नहीं है अभी। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे कुछ टेम्पररी ब्लॉक लगाना है, और यहाँ पे खड़े होने के बाद इस तरीके से देखो क्राउच होके मुझे यहाँ पे 2 हॉपर को प्लेस कर देना है। तो ठीक है गाइज, इतना होने के बाद मुझे क्या करना है, इन वाले बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ देना है, ये मेरे कुछ भी काम के नहीं है। फिर यहाँ पे मुझे इस देखो इस चेस्ट के ऊपर आना है इस तरीके से। इस चेस्ट के ऊपर आने के बाद देखो मुझे क्राउच होके इस तरीके से 2 रेल को प्लेस कर देना है। इतना होने के बाद गाइज मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक लीवर को प्लेस करना है और इसको इस तरीके से ऑन कर देना है। सेम मुझे यहाँ पर भी एक लीवर को प्लेस करना है और इसको इस तरीके से मुझे ऑन कर देना है। उतना होने के बाद मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे इस तरीके से एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया, यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया, इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ देना है और मुझे देखो बिल्कुल इसको इस तरीके से एंड तक ले आना है। और जो आपके 2 चेस्ट वाला एरिया है ना, इन 2 बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ के सिंपली यहाँ पे मुझे 2 ग्लास को लगा देना है, और इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को एंड तक मत लगाना, यहीं तक बस लगा देना। सेम मुझे यहाँ पर भी एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाना है, इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को लगा के इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ देना है, फिर यहाँ से मुझे देखो बिल्कुल पीछे तक इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को इस तरीके से लगा देना है। तो ठीक है गाइज, मुझे इस तरीके से आपका देखो अभी कलेक्शन एरिया बन के रेडी हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, इतना होने के बाद यार मैं एक चीज यहाँ पे करना भूल गया था, सिंपली इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पे देखो इस तरीके से माइन कार्ड विथ हॉपर को लगा देना, ताकि यहाँ से देखो आगे पीछे यहाँ पे जाने लगेगी। तो एक बार चेक कर लेना आपकी जो माइन कार्ड विथ हॉपर है, ठीक है, इस तरीके से आगे पीछे जा रही है, फिर सिंपली इस वाले बिल्डिंग ब्लॉक को यहाँ पे वापस से लगा देना। तो ये चीज़ मैं लगाना भूल गया था, तो आपको ये पहले ही यहाँ पे लगा देना है माइन कार्ड विथ हॉपर। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद सिंपली अभी आपको क्या करना है, यहाँ से देखो 9 ब्लॉक यहाँ से आगे ले जाना है। तो ठीक है, मैं फटाफट से इस वाले किसी भी कॉर्नर पर जाना, और यहाँ से मैं 9 ब्लॉक आगे ले जाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और सिंपली यहाँ से भी मैं 9 ब्लॉक आगे ले जाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और सिंपली इन वाले बिल्डिंग ब्लॉक को मैं फटाफट से इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ठीक है गाइज, मुझे इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सेम मुझे यहाँ से भी 9 ब्लॉक आगे ले जाके यहाँ से कनेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
सेम मैं यहाँ से भी 9 ब्लॉक आगे ले जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सिंपली यहाँ से ले जाके मैं फटाफट से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ से लाया, यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक लाया और इसको इस तरीके से मुझे फटाफट से कनेक्ट कर देना है। इतना होने के बाद गाइज मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन चुका है। इतना होने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पे देखो पूरे में यहाँ पे मुझे सोल सैंड को लगाना है, बाकी जो ये बीच वाला एरिया है ना यहाँ पे जहाँ पे मैग्मा लगे इसको छोड़ के बाकी पूरे एरिया में मुझे फटाफट से यहाँ पे सोल सैंड को लगा देना है। तो मैं फटाफट से पूरे एरिया में यहाँ पे सोल सैंड को लगा देता हूँ। तो ठीक है गाइस, देखो मैंने इस तरीके से पूरे में सोल सैंड को लगा दिया बस बीच वाले एरिया को छोड़ के। तो बीच वाले एरिया में सिंपली अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना ताकि यहाँ का जितना भी पानी वगैरह है इस सारा का सारा यहाँ पे सूख जाए। तो ठीक है गाइस, बिल्डिंग ब्लॉक लगाने के बाद सिंपली इन बिल्डिंग ब्लॉक को यहाँ से दोबारा से तोड़ देना और ये देखो यहाँ का सारा पानी यहाँ से अभी सूख चुका है। तो ठीक है गाइस, मैंने दोबारा से यहाँ से सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक को तोड़ दिया है। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, इस तरीके से देखो यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक के लेयर को लगाना है। इस तरीके से मैं फटाफट से यहाँ पे पहली बिल्डिंग ब्लॉक के लेयर को यहाँ पे लगा देता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे आपको देखो चारों तरफ से यहाँ पे लगा देना है। तो ठीक है गाइस, देखो इस तरीके से मैंने पूरे में यहाँ पे एक लेयर लगा दी है। ठीक है गाइस, तो अभी मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे इस तरीके से ओक साइन को लगाना है। तो ठीक है गाइस, मैं फटाफट से लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे किसी भी साइड से आप लगा सकते हो, इस साइड से लगाना हो, इस साइड से लगाना हो, तो मैं इस साइड से लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्राउच होकर मुझे इस तरीके से पूरे में यहाँ पे देखो फटाफट से यहाँ पे ओक साइन को लगा देना है। तो ठीक है गाइस, देखो मैंने इस तरीके से बिल्कुल एंड तक यहाँ पे ओक साइन को लगा दिया है। तो अभी मुझे फिर से है ना यहाँ पे ऊपर वाली लेयर में भी यहाँ पे ओक साइन को लगाना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर भी ओक साइन को लगा देता हूँ। तो ऑल राइट यार गाइस, देखो मैंने यहाँ पर भी ऊपर वाली लेयर पे भी ओक साइन को लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से देखो आपके साइन यहाँ पे लग जाएंगे, आप कोई से भी साइन यूज कर सकते हो, मैं ओक साइन यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, अभी आप जो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ ना इसको बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो इस तरीके से वाटर को प्लेस करना है। तो ठीक है, मैं जैसे वाटर को प्लेस कर रहा हूँ ना सेम आपको वैसे ही यहाँ पे वाटर को प्लेस करना है। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से देखो आपको इस वाली लेयर पे देखो इस तरीके से पूरे में यहाँ पे वाटर को प्लेस कर देना है। ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इस साइड से उस साइड से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इतना होने के बाद जैसे ही आप इस वाली लाइन पर वाटर को प्लेस कर दो ना, फिर आपको देखो यहाँ से आपको वाटर को प्लेस करना चालू करना है। तो ठीक है, मैं फटाफट से यहाँ से भी वाटर को प्लेस करना चालू करता हूँ। बिल्कुल मुझे एंड तक यहाँ पे वाटर को प्लेस कर देना है। और यहाँ का इस ध्यान रखना है, बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर आपको वाटर को प्लेस करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल एंड तक देखो मैंने वाटर को प्लेस कर दिया और ये देखो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट वाटर बन चुका है। अभी मैं सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से वाटर को प्लेस कर देता हूँ। मैंने बोला किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं इस साइड से अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, इस तरीके सबसे पहले मुझे इस वाली लाइन पर फटाफट से वाटर को प्लेस करना है और उसके बाद से मुझे इस वाली लाइन पे फटाफट से यहाँ पे हर एक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर मुझे वाटर को प्लेस करना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे हर एक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से वाटर को प्लेस कर देता हूँ। तो ठीक है गाइस, देखो मैंने सारे बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर वाटर को प्लेस कर दिया और यहाँ पे देखो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट वाटर बन चुका है, जैसे हमारे यहाँ पे रिवर वगैरह में रहता है। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद मुझे क्या करना है, अभी आप इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद अभी मुझे यहाँ पे ये देखो इस तरीके से मुझे स्लैब को लगाना है। तो ठीक है गाइस, मैं फटाफट से यहाँ पे स्लैब को लगा देता हूँ। इस स्लैब को लगाने से क्या होगा कि आपको वाटर यहीं पे रहेगा बट ये ऊपर से पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे इसके ऊपर से भी फिर से एक बार वाटर को प्लेस करना है। इस वजह से मैं यहाँ पे पूरे में स्लैब को लगा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं फटाफट से यहाँ पे पूरे में स्लैब को लगा देता हूँ। और हाँ गाइस, सबसे पहले मुझे इस वाली लेयर में करना है, उसके बाद उस वाली लेयर में करना है। तो ठीक है गाइस, ध्यान रखना, पहले इस वाली लेयर में स्लैब को लगाना, फिर उस वाली लेयर में स्लैब को लगाना। और लाइट यार गाइस, देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे में स्लैब को प्लेस कर दिया है। तो ठीक है गाइस, इतना होने के बाद अभी सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया और यहाँ पे देखो बिल्कुल एंड तक आपको यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना है। तो अभी मैं यहाँ पे आधे में बिल्डिंग ब्लॉक को लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आधे में बिल्डिंग ब्लॉक को लगाऊंगा। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देना है। उसके बाद सिंपली मुझे आपको ये ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे इस तरीके से मुझे फटाफट से वाटर को प्लेस कर देना है। तो ठीक है, बिल्कुल एंड तक मुझे इस तरीके से यहाँ पे वाटर को प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वाटर फ्लो होने लगेगा, उसके बाद सिंपली मुझे इन सारे स्लैब को यहाँ पे रिमूव कर देना है।
और हाँ यार गाइस ध्यान रखना है इन वाले स्लैब को यहाँ पे कलेक्ट कर लेना रिमूव करने के बाद, क्योंकि अब ये सेम स्लैब आपको उस साइड भी लगाना है। और ये देखो गाइस यहाँ पे फिश अभी से स्पॉन होना चालू हो चुकी हैं। और लेट यार गाइस देखो अभी मैंने यहाँ के सारे स्लैब तोड़ दिए हैं। अभी सिंपली जितने भी ये स्लैब मैंने यहाँ से कलेक्ट किए, समझ लो आप यहाँ पे सर्वाइवल में कलेक्ट करोगे तो वो स्लैब आपको यहाँ पे फटाफट से लगा देना है। तो ठीक है गाइस मैं फटाफट से यहाँ पे पूरे में स्लैब को लगा देता हूँ। तो ऑल राइट यार गाइस अभी देखो मैंने यहाँ पे पूरे में स्लैब को लगा दिया है। तो अभी सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से देखो इस तरीके से भी मैं फटाफट से यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देता हूँ। तो ठीक है मैं फटाफट से पूरे में एंड तक यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक को लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ठीक है गाइस इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो बिल्डिंग ब्लॉक को लगा दिया। अभी सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से भी फटाफट से पानी को प्लेस करना है। अभी आप लोग में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे सेकंड लेयर को पहले ही तो बना सकता था, बट यहाँ पे इजी क्या पड़ेगा कि आप यहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ से पानी ले सकते हो। वैसे में अगर मैं यहाँ पे दो लेयर बना देता तो फिर आपको पानी कलेक्ट करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड लेयर को बाद में बनाया है। और आप भी यहाँ पे इस स्टेप को करना तो जिससे आपका ये जो फार्म है वो यहाँ पे इजीली बन जाएगा। तो ठीक है गाइस कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे में पानी को लगा दिया है। अभी सिंपली बस मुझे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्लैब वगैरह लगे हैं इनको बस मुझे यहाँ से तोड़ देना है। तो ठीक है गाइस अभी देखो मैंने सारे के सारे स्लैब यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे एएफ के एरिया को बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एएफ के एरिया को बना रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका ये मैग्मा ब्लॉक वाला एरिया है ना यहाँ पे आना है, और इस तरीके से इस वाले ब्लॉक पे जहाँ आपका मैग्मा ब्लॉक लगा है इस वाले ब्लॉक पे आपको इस तरीके से स्कैप होल्डिंग को रखना है और इसको 16 ब्लॉक ऊपर ले जाना है। तो वन में ले जा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं फटाफट से 16 ब्लॉक ले जाता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ठीक है गाइस कुछ इस तरीके से 16 ब्लॉक ऊपर ले जाने के बाद यहाँ से आपको आगे आना और इस तरीके से आपको देखो यहाँ से 9 ब्लॉक इसको आगे ले जाना है। तो ठीक है मैं फटाफट से इसको 9 ब्लॉक यहाँ से आगे ले जाता हूँ। तो ठीक है यहाँ से नहीं सॉरी यहाँ से इस तरीके से आपको 9 ब्लॉक आगे ले जाना है। तो 1 ब्लॉक मैंने लगा दिया है, 8 ब्लॉक और लगा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल यहाँ पे 9 ब्लॉक हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे अभी आपको आके खड़े होके एएफके हो जाना है। तो ठीक है गाइस जैसे ही आप यहाँ से एफ के बैठोगे यहाँ पे देखो फिश वगैरह स्पॉन होना चालू हो जाएंगी। तो ये देखो गाइस अभी आपकी फिश वगैरह स्पॉन होना चालू हो चुकी हैं, और ये देखो इस तरीके से बहते हुए आपके देखो मैग्मा क्यूब में जाएंगे और मैग्मा क्यूब उनको मार के किल कर देगा। तो ठीक है गाइस इतना होने के बाद अगर आपको देखो इस फार्म की लूट वगैरह कलेक्ट करनी तो सिंपली आप यहाँ से नीचे आ जाना इस तरीके से। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लूटिंग एरिया बनाया, तो ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे आना और यहाँ से जितने भी आपके फार्म की लूट वगैरह है वो आप यहां से कलेक्ट वगैरह कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहां पे फिश और बोन मील दोनों मिलने वाला है। और हाँ गाइज मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इस तरीके से आप एक छोटा सा कलेक्टिंग एरिया भी बना सकते हो, तो इससे आपको यहां पे ये फायदा होगा कि आप यहां पे ड्राउन करके मरोगे नहीं। तो होप यार गाइज आपको ये वाला फार्म यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला फार्म यहाँ पे पसंद आए तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।